सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशि, आपका फिर से नए वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा शिमला राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने शिमला राइड पर कौन कौन सी मिस्टेक्स कर दी थी। और अगर आप भी मेरी तरह माउंटेन लवर्स हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो भाई, अगर आप माउंटेन्स में जा रहे हैं तो आपके लिए वेदर रिपोर्ट का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेदर रिपोर्ट को मैंने भी जाना था बट मैंने उसे इग्नोर कर दिया था, इसीलिए मुझे काफ़ी परेशानी भी हुई थी। जैसे कि अगर मैं वेदर रिपोर्ट देखकर जाता तो बारिश जो थी उससे मैं बच जाता और मेरी जो प्लानिंग होती काफ़ी अच्छी रहती। ब्रॉडकास्ट का अलर्ट भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, तो राइड में होगा लेट बट ये नहीं पता कि कितना लेट होगा, बट राइड जरूर होगी, बट कितनी लेट होगी मैं नहीं कह सकता क्योंकि इंद्र देवता कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है आज। और जब हॉर्स राइड के टाइम मैं शिमला से कुफरी की तरफ जा रहा था तो काफ़ी जो रोड था वो काफ़ी मडी था, तो इस चीज़ से मैं बच जाता। और यार, हल्की हल्की बारिश अभी भी आ रही है, आप देख सकते हो। तो मौसम यार इतना अच्छा नहीं है, बाकी अच्छा हुआ कि घोड़ा ले लिया, क्योंकि कुफरी अगर हम पैदल जाते तो आप देख सकते हो रोड की कंडीशन कितनी बुरी है। तो रोड की कंडीशन आप देख सकते हो यार, बड़ी वर्स्ट कंडीशन है। और भाई, दूसरी जो बात है, हॉर्स राइड का जो मजा है ना वो डबल हो जाता, और काफी एंजॉयबल राइड मेरी होने वाली थी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। तो गाइज, मैंने एक वीडियो और बनाया था शिमला राइड पे जाने से पहले, प्रिपरेशन ऑफ माई लॉन्ग राइड। उसमें अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लेना, तब आपको पता लगेगा कि एक 2 किलो का गैस का सिलेंडर मैंने अपने साथ कैरी किया था। वो मैंने कैरी इसलिए किया था क्योंकि मैं कैंपिंग करने वाला था, तो यार जो मेरा सपना है वो थोड़ा अधूरा रह गया, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी भी होगा तो मैं जरूर कैंपिंग करूंगा। और हाँ, अगर वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं चलता तो जो मेरी प्लानिंग थी काफ़ी अच्छी रहती और कैंपिंग मैं करता और काफ़ी एंजॉयबल मोमेंट वो होने वाला था, जो कि नहीं हो सका। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो भाई नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो भाई, अगर मैं वेदर के अकॉर्डिंग चलता तो जो मेरा होटल का एक्सपेंस था वो डबल इसलिए होगा था क्योंकि बारिश की वजह से 2 दिन तक मुझे रूम में ही स्टे करना पड़ा, जिसकी वजह से जो मेरा एक्सपेंस था वो बढ़ गया था। तो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग टू माउंटेन, तो भाई मानसून में बिल्कुल भी आपको नहीं जाना चाहिए, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। तो भाई, नेक्स्ट जो ये पॉइंट है, जो मेरी मिस्टेक है, उसमें मैं आपको बोलूँगा नाइट राइड के बारे में। तो अगर आप भी मेरी तरह कोई राइडर ही हैं या आप राइड करते हैं तो रात में आपको माउंटेन्स में राइड नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि पहाड़ों में नाइट की राइड सेफ नहीं होती। और दूसरी चीज़, मानसून में तो आपको राइड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानसून में पहाड़ों में जो बाइक है या 4-व्हीलर भी है वो बहुत बार स्किट करते हैं। तो अगर आपने मेरा जाकू टेंपल वाला व्लॉग देखा होगा, जो एक 4-व्हीलर थी वो भी स्किट कर रही थी। ओ भैया, गाड़ी स्किट कर रही है? तो पहले दिल्ली के ड्राइवर हैं भाई, कहीं भी पहुंच जाते हैं, और मैं भी दिल्ली का राइडर हूं। तो भैया, गाड़ी लगता है इसकी बंद पड़ने को हो रही है। दोबारा से उसी तरीके का एक टर्न आ गया है, थोड़ा सा
डिफिकल्ट टर्न है, इसलिए डिस्टेंस बना के रखो, बाइक पीछे रखो। A few moments. तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई मॉनसून में अगर आप ना ही जाएं तो ही अच्छा है, और अपना प्लानिंग जो है आपकी मौसम पर टोटली डिपेंड करती है। सो भाई लास्ट पॉइंट में मैं आपको बोलूँगा कि लास्ट पॉइंट ये है कि आपको डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं रखनी है। मेरे और ट्रैवलर दीशु कटारिया के अलावा हमारे एक थर्ड फ्रेंड और भी थे जो कि हमारे साथ जाना चाहते थे, बट लास्ट मोमेंट में उन्होंने हमारे साथ डिच किया और वो हमारे साथ नहीं गए। तो लास्ट में यही है कि भाई आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, जो भी आपके ट्रस्टवर्दी हैं फ्रेंड्स आपको उनके साथ ही जाने की प्लानिंग करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर मुझे जल्दी से फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ ही रहा होगा। तो भाई लास्ट में मैं यही बोलूँगा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और देखते रहो और कोरोना से दूर रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।